महाभारत काल का अंग क्षेत्र यानी वर्तमान का भागलपुर, इसी जगह से छठ व्रत की शुरुआत हुई थी। कहते हैं अंगराज कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले छठ पर्व किया था और उसी गंगा तट के किनारे हम खड़े हैं जहां से इस छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। भागलपुर में है और छठ व्रत का आज तीसरा दिन है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया है और आज जो तमाम छठ व्रती हैं वो गंगा किनारे गंगा जल अर्पित कर अर्घ दे रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर, आपको तस्वीर दिखाने के लिए पहुंचे हैं भागलपुर के मुसहरी घाट पर। हम आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि शाम जो है ढल चुका है, सूर्य ढल चुका है, उसके बाद जो है श्रद्धालु जो है यहाँ अर्घ दे रहे हैं। सूर्यपुत्र कर्ण जो थे वो पहली बार भागलपुर में इसी जगह पर छठ किया करते थे। चंपा नगर का वह इलाका था। हम आपको उसी गंगा तट के किनारे मुसहरी घाट से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर जो है हजारों की संख्या में भीड़ जो है आपको अभी दिखाई दे रही है गंगा तट पर। यहाँ पर छठ पर्व को लेकर सभी जमा हुए हैं, क्योंकि बिहार से जो है छठ की आस्था जो है काफ़ी जुड़ी हुई है। लोगों की यह मान्यता है कि छठ मैया जो है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और छठ व्रत करने से जो है घर में सुख समृद्धि आती है और तमाम जो दुख है वो छठ मैया हर लेती है। तस्वीरें देखिए, फलों से भरा जो दौरा है वो लेकर छठ घाट पहुँच रहे हैं श्रद्धालु। सूपों में जो है तमाम जो फल को है यहाँ पर सजा के रखा गया और उसके बाद एक एक कर जो छठ व्रती है उनके हाथ में सूप को थमाया जाता है और चाहे वो दूध का हो या गंगा जल का हो अर्घ देकर जो है इस पूजा को किया जाता है। तो छठ व्रत काफी मनोकामनाओं के साथ, काफी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस पर्व का जो उत्साह है किस तरह से लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई देता है, क्योंकि छठ व्रत के खत्म होने के बाद जो है साल भर तक जो भी लोग रहते हैं खासकर बिहार के तमाम जो लोग हैं उनको इसी व्रत का इंतजार रहता है कब छठ पूजा एक बार फिर से आएगा और हम लोग एक बार फिर से परिवार में जमा होंगे और दौरा लेकर जो है छठ घाट तक पहुंचेंगे और छठ पर्व मनाएंगे। कितनी आस्था जुड़ी है आप लोगों की छठ के साथ? बहुत आस्था जुड़ी हुई है। हम लोग मतलब आते हैं कि हम लोग स्पेशली छठ के लिए ही मतलब दूर से आते हैं करने के लिए कि हम लोग दिवाली से बेसी उत्साह छठ में रहता है। छठ का भागलपुर से छठ की शुरुआत हुई थी, इस तरह भागलपुर में ही आप लोग हैं, ये कितनी गर्व की बात है? बहुत ही गर्व की बात है। एक तो यह अंग राज है या कर्ण की धरती कहा जाता है इसको। यहाँ से आप लोग क्या कर रहे हैं अभी घाट पर पहुंचे? हम लोग अभी अर्घ दे रहे हैं, यहाँ में सूप है वहाँ अर्घ दे रहे हैं, वहाँ पे ये कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं, दूध और जल चढ़ा रहे हैं वहाँ पे सूप पे। कितनी आस्था है छठ पर्व के साथ, कितना मानते हैं छठी मैया को? हम लोग बहुत ही मानते हैं, खास कर बिहार में बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इस समय खास कर बहुत धूमधाम से यह छठ पर्व मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? केशव कुमार। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया है अभी और इसके बाद तमाम जो श्रद्धालु हैं घाट पर, आपको जब तक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, तमाम श्रद्धालु जो है बहुत उत्साहित हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप नदी में देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर SDRF की टीम जो है वो पूरी तैनाती के साथ जो है लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो खुशी मन से, श्रद्धा मन से जो है यहाँ पर छठ मैया को जो है वो अर्घ अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, काफी मनमोहक तस्वीरें हैं, आस्था से भरी तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं से खचाखच ये गंगा घाट आपको नजर आ रहा होगा, छठ व्रतियों से भरा हुआ ये घाट नजर आ रहा होगा। सभी लोग जो है यहाँ पर उत्साहित हैं, आप देख सकते हैं कि डाला उठाकर हाथों में यहाँ पर गंगा तट तक पहुँच रहे हैं और अब जो है शाम ढलने के बाद तस्वीरें और भी खूबसूरत निकल कर सामने आ रही है जब लोग जो है छठ पर्व को उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज जो है छठ व्रत का तीसरा दिन है, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और कल जो है अहले सुबह जो है वो उदयमान सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व की जो है समाप्ति होगी, उसके बाद जो है लोगों के बीच प्रसाद का वितरण होगा। काफी नेम निष्ठा के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और इस पर्व को बिहार के लोग जो है वो काफी उत्साह के साथ मनाते हैं और उसी की झलक आपको आज देखने को मिल रही है जब आज पहला दिन है अर्घ का और तीसरे दिन छठ व्रत का जो है लोगों के अंदर उत्साह है। छठ घाट तक लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और छठ पर्व को काफी खुशी के साथ मना रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।